और थोड़ा अच्छी दिखाई दे इसको। वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो उसके बाद जो भी लोगों ने कमेंट करे थे कि उनको नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए, तो ये वीडियो उसी के ऊपर कंटेंट है कि हमें हर सेट के बीच में कितनी देर का रेस्ट लेना है और हमें रैप्स को कैसे परफॉर्म करना है और कितने रैप को परफॉर्म करना है, ये सारी चीजों को आज हम अपनी वीडियो में समझेंगे। और वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि फिर बोर हो जाते हो, तो मेन बात करेंगे। तो हमें सेट के बीच में कितनी देर का ब्रेक लेना चाहिए, हमें अगर आप बिगनर हो मेरी तरह तो आपको हर सेट के बीच में कम से कम 3 मिनट का ब्रेक तो लेना ही चाहिए। आप बहुत लोग कहेंगे कि 3 मिनट का ब्रेक लेना क्यों चाहिए, तो मैं आप ये बताता हूँ तुम्हें, 3 मिनट का ब्रेक इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जब हम कोई भी सेट को परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है तो आपको लगता है कि हमारी बॉडी पंप हो गई है और हमारी बॉडी गर्म हो गई है। तो बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि बॉडी अगर गर्म है तो गर्म बॉडी में ही दूसरा सेट परफॉर्म कर लो तो अच्छे से हमारी मसल ट्रेन होगी और मसल ग्रो होगी। लेकिन अगर आप इसको मसल को ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये चीज बिल्कुल गलत है। आपको अपने ब्लड सर्कुलेशन को वापस से उस फॉर्म में लाना होगा जिस फॉर्म में वो पहले था जब आपने वो सेट खत्म किया, उसके बाद आपको ब्रेक लेना इतने टाइम का। और अगर आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो 2.5 मिनट में या 2 मिनट में ही नॉर्मल हो जाता है तो आप उसके बाद भी अपने सेट को परफॉर्म कर सकते हो। लोग ये भी कहेंगे कि हमें ब्रेक 3 मिनट का ब्रेक लेना क्यों चाहिए, या फिर कि हम अगर जल्दी जल्दी लगा लेंगे तो हो क्या जाएगा। अगर आप सेट को जल्दी जल्दी परफॉर्म कर लोगे तो क्या होगा, आपका जो भी रैप रेंज है आपकी, अगर आप 8 रैप लगाते हो 12 रैप लगाते हो, तो जो दर्द आपको आपकी मसल में 8 रैप के बाद होना चाहिए वो आपको 4th रैप में ही दर्द होने लगेगा, जिससे आप आगे की रैप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप वही 5 सेट अगर परफॉर्म करते हो किसी भी मसल के लिए तो आप 5 सेट परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे अगर आप किसी स्पीड से चलोगे, तो आपको टाइम अंडर टेंशन पर ध्यान देना है। अब दूसरी चीज है कि हमें कितने रैप परफॉर्म करने हैं और रैप्स को जो भी सेट है उस सेट का टाइम क्या होना चाहिए, मतलब हाइपरट्रॉफी रैप रेंज क्या होनी चाहिए हमारी, कि हम जो भी सेट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कितनी देर तक चलना चाहिए सेट। तो हर एक मसल का हाइपरट्रॉफी रैप रेंज अलग अलग होता है। जैसे हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट का जो टाइम रैप रेंज होता है वो होता है 40 सेकेंड का। अगर आप 8 अगर रैप परफॉर्म करते हो और 8 रैप मैक्स होते हैं, जैसा अगर जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि 8 रैप क्यों, तो क्या होता है अगर आप 8 रैप लगाते हो तो आप उसको डिवाइड कर लो 40 सेकंड से, तो क्या हुआ 5 सेकंड में आप हर एक रैप को परफॉर्म करना है। अब कैसे करना है वो भी मैं आपको एक क्लिप ऊपर डाल दूंगा, तो आप उससे देख लेना। और अगर आपको मसल ग्रो करना है, और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कि भाई थोड़ी सी एस्थेटिक बॉडी कैसे होगी या बॉडी बहुत ज्यादा श्रेडेड कैसे होगी, तो उसके लिए अगर आपको ये मतलब अपनी बॉडी को श्रेडेड रखना है और बहुत ज्यादा यू नो एकदम एस्थेटिक बॉडी चाहिए तो आपको ये इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो हमारा रैप रेंज जो टाइम है 40 सेकंड का, और उसमें एक और चीज, अगर आपका जो रैप है जो आपका जो सेट है वो 40 सेकंड का, और अगर आपका जो सेट है वो 40 सेकंड से जल्दी खत्म हो जाता है तो आप समझ जाओ कि आप जिस वेट से अपना सेट परफॉर्म कर रहे हो वो ज्यादा है, आपको थोड़ा सा जो वेट है उसको कम करना है। और अगर 40 सेकंड से आपका जो रैप है वो आपके ज्यादा चले जाते हैं और टाइम पहले ही खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत कम वेट से सेट को परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा। और अच्छे वर्कआउट करने के लिए और आपको थोड़ा मसल माइंड कनेक्शन जो होता है ये काफी ज्यादा अहम रोल देता है आपको आपके वर्कआउट में और मसल को ग्रो करने में, तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा इसके ऊपर पूरा जो भी कुछ है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, अगर समझ में आ गया हो अच्छे से तो बता देना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पर ना हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।